हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि पेपरोमिया का प्लांट है और इस प्लांट को हम लोग मेजर रीज़न जिसकी वजह से ये प्लांट ख़राब होता है, सिंगल मेजर रीज़न जिसकी वजह से ये ख़राब होता है, उस प्रॉब्लम को डील करेंगे ताकि आपके घर भी ये पेपरोमिया का प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। और वो बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है, स्टे टिल द एंड। मैं भी गड़बड़ी कर देती हूँ कई बारी और मेरा भी कई बार ख़राब हो जाता है। हम लोग रहते हैं दिल्ली NCR में, जहाँ पर गर्मियाँ बहुत तेज़ होती हैं, एक्सट्रीम होती हैं, टेम्परेचर 40-45 तक जाता है, और विंटर्स भी एक्सट्रीम होती हैं जब टेम्परेचर्स 2-3-4 ऐसे जाता है। तो मैं उस जगह के कॉन्टेक्स्ट में भी बताऊँगी कि वो मेजर रीज़न मैं कैसे हैंडल कर पा रही हूँ, मैंने भी बड़ी मुश्किल से सीखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पेपरोमिया आपको बहुत वैरायटीज में मिलेगा, कुछ ऐसे वेरिगेटेड लीव्स वाला, कुछ एकदम प्लेन बोल्ड ग्रीन कलर का भी होगा, मगर ये वेरिगेटेड वाला बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। और अगर आप राइट इसको एनवायरमेंट देते हैं तो ये बहुत एग्रेसिवली भी ग्रो कर सकते हैं आप इसको। तो चलिए देखते हैं कि क्या मेजर रीज़न के बारे में जो मैं बात कर रही थी। वन मेजर प्रॉब्लम जो इसके साथ होती है वो है, इसमें ओवर वाटरिंग की वजह से ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो इसकी वाटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वाटरिंग इसकी राइट करते हैं, मतलब पानी का कंटेंट सॉइल में अगर करेक्ट रहता है थ्रू आउट द ईयर इसका, तो बहुत चांसेस होते हैं कि ये प्लांट लंबे टाइम तक सरवाइव करेगा, क्योंकि ये एक पेरिनियल प्लांट है। देखिए, प्रॉब्लम्स तो इसमें किसी रीज़न से भी आ सकती हैं और कई सारे पैरामीटर्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मगर ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ पानी का इशू, ये सबसे बड़ा मेरे को लगता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से बहुत प्लांट्स ख़राब करके रियलाइज़ किया है कि इसकी वाटरिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। तो ये सिंपल केयर है पानी की। वैसे और भी कई रीज़न हो सकते हैं इसके ख़राब होने के, वो मैं आगे डिस्कस कर सकती हूँ किसी और वीडियो में। जैसे कई बार कोई इन्फेस्टेशन हो जाए उससे ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो, हीट ज़्यादा हो, टेम्परेचर बहुत कम हो, फ्रॉस्ट हो, उसकी वजह से भी ख़राब हो जाता है। वो कभी और हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।